मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज का अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां ये अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी की अगुवाई करने वाले जिनके दिशा निर्देश पर यह देश आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके आज आजादी का उपभोग कर रहा है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्सर नमन करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों वीर सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी की इस लड़ाई में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हुए अपने आप को बलिदान किया। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों क्रांतिकारियों वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।